بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں خصوصی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنی ہی سے جامعہ کے خطیب و مدرس و امام حضرت مولانا قاری محمد ارشد سلفی صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ مہمانان گرامی، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اجدا اے پروگرام رمضان المبارک دی بابرکت تاک راتاں دے وچوں 27ویں رات دے اندر جڑا خصوصاً رمضان المبارک دے اندر نماز تراویح اندر قرآن مجید دی تلاوت جو الحمدللہ اج مکمل ہوئی ہے، او دی خوشی اور نمبر دو اپنے اس جامعہ دے طلباء اور طالبات دے سالانہ امتحانات دے نتائج تے موقع تے سابقہ روایات دی طرح اج منعقد کیتا گیا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں، چند ایک باتاں تسا احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا، کیونکہ ادھے بعد نتائج دا اعلان ہے۔ اول دوم اور سوم آن والے تمام طلباء اور طالبات اور پھر جڑے خوش نصیب اس سال دے اندر طلباء اور طالبات نے قرآن مجید ناظر نال یا پھر با ترجمہ مکمل کیتا ہے، انہاں دے اندر انعامات اللہ پاک دی رحمت دے نال تقسیم کیتے جان گے۔
फिर उस दे बाद दुआ दा बड़ा अहम एक टाइम है। इस वास्ते मैं थोड़े जे वक्त दे अंदर अपनी बात नू ख़त्म करांगा। कुरान मजीद कायनात दियां तमाम किताबां दे विच्चों अफजल तरीन किताब है, बल्कि तमाम आसमानी किताबां दे विच्चों भी अफजल तरीन किताब है। और यकीनन जिवें ए किताब अफजल तरीन है, इस तरह इस किताब नू पढ़न वाले अपने सीने अंदर महफूज करने वाले वो भी कायनात दे बेहतरीन और आला तरीन इंसान ने, और उन्होंने तारीफ किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि उस शख्सियत ने बयान फरमाई है कि जिस शख्सियत दी जाते अकदस ते मालिक ने अपने इस कुरान पाक नू नाजल फरमाया, जिन्ना दा नामे नामी इसमे ग्रामी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप इरशाद फरमाते ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, लोगो तुहाडे अंदरों बेहतरीन इंसान होवे जेड़ा कुरान पाक नू सिखदा है और नाल इनू सिखांदा है। इनू सीखना भी बहुत बड़ा अमल है और इनू अगे सिखलाना भी बहुत बड़ा अमल है। कायनात दे इमाम ने इरशाद फरमाया वो बेहतरीन इंसान है, अफजल तरीन इंसान है। आम इंसान उनू चंगा समझन या ना समझन, लेकिन जिस जबान नबुव्वत दी तारीफ हो गई है ना, ये वास्ते इन्ना ही बड़ा है। बल्कि अगली रिवायत दे अल्फाज सुन लो, नबी कायनात हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इकराउल कुरान, लोगों कुरान मजीद नू पढ़िया करो, छोटे भी पढ़ो बड़े भी पढ़ो, अमीर भी पढ़िया करो गरीब भी पढ़िया करो, मर्द भी पढ़ो औरतां भी पढ़ो, कुरान मजीद दी तिलावत करिया करो, मिलेगा कि आप फरमांदे ने फइन्नहु याती यौमल कियामति शफीअल लिअसहाबिही, लोगों अगर कुरान तुसी पढ़ोगे ना तो क्यामत वाले दिन एक कुरान कुरान पढ़न वाले दा सिफारशी बनेगा। जदों कोई सिफारशी नहीं होएगा, कोई भाई कोई भैन माँ बाप रिश्तेदार यार दोस्त या दुनिया की दौलत काम नहीं आवेगी, उदो काम आएगा तो कुरान काम आएगा जिन्हें एदी तिलावत की। इस वास्ते सादी जुबान के अंदर मैं गुफ्तगू करना कि कुरान पढ़ो, क्योंकि कुरान तुहाडा सिफारशी होएगा। ये किन्ने आख्या जिन्ना दा असा कलमा पढ़िया, क्या सानू उन्हां दी जुबान ते यकीन नहीं? यकीन है अलहम्दुलिल्लाह, जिवें असा बगैर वेखण दे उन्हां दा कलमा पढ़ लिया, इस तरह उन्हां दी जुबान तो सुनिया नहीं अपने कन्ना नाल, लेकिन यकीन है हुजूर ने जो अपनी जुबान नबुव्वत और इरशाद फरमाया वो हकीकत ते मबनी है। अल्लाह तबारा का वाला इरशाद फरमाते ने वत्तकू यौम अल्ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, लोगो उस दिन तो डरो जिस दिन कोई किसे दे कम नहीं आवेगा, ना दौलत अबल ते होनी कोई नहीं, ते जे कोई आके मैं दौलत दे के जान छड़ा लवांगा ते छुटनी फिर भी कोई नहीं।
ते ना किसे अंग साक ने कम आना है, उदो कम आना है ते किताबुल्ला ने कम आना है। वो भावें कोई भी पढ़ने वाला होवे, ये इतनी अफजल तरीन ते आला तरीन किताब है। और निरा एदे ही कम नहीं आना, एजाज देखे आजे नबी रहमत अली सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया है, जेड़ा बंदा कुराने मजीद नू याद करता है, एदे अहकामात दे उते अमल करता है, ओदा एजाज ए होवेगा कि कयामत वाले दिन अल्लाह पाक उस बंदे नू इजाजत देंगे। किस बात दी? के ले मेरे बंदे, तो दुनिया ते रह के मेरी किताब दे मुताबक अपनी जिंदगी गुजारी, ओदे हलाल नू हलाल हलाल समझिया, हराम नू हराम समझिया, जायज नू जायज समझिया, नजायज नू नजायज समझिया। हुण गल ए वे के तू इंज कर, मैं तेनू इख्तियार देना अपने खानदान दे विच्चों 10 बंदे जिन्हां ते जहन्नम वाजब हो चुकी उन्हां दीयां गलतियां दी वजह तो मुशरक ना होवे, मुशरक ते काफर ना होवे। ए मेरे बंदे, उन्हां 10 बंदियां दी सिफारिश तू कर, तेरी सिफारिश नू कबूल करके मुआफ मैं कर देंगा। अपना भी बेड़ा पार, अपने खानदान के 10 बंदियां दा बेड़ा पार होएगा। यानी कुरान कुरान वाले की सिफारिश करेगा तो कुरान वाला अपने खानदान के 10 बंदियां दा सिफारशी बनेगा। इस तो बाद होर की चाहिए जी? ये थोड़ा एजाज है कि कायनात के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं जिन्हों शरफ ते एजाज हासिल होवे, बंदा उन्हों पढ़े उदे मुताबक अमल करे ते फिर वह किताब क्यामत वाले दिन उदी सिफारशी बने। वाहिद कुराने मजीद ऐसी किताब है जेड़ी अपने नाल मुहब्बत करने वाले, अपने नाल प्यार करने वाले और कुराने मजीद ते अमल करने वाले इंसान दा कुराने मजीद सिफारशी होवेगा। हालत पता किवें दी होएगी? कुरान पाक दे अल्फाज सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने, ए प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जुबाने नबुव्वत तो जरा ऐलान फरमाओ। अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहन नास तक्कु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, या अय्युहन नास तक्कु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, लोगो अपने मालिक को डरो, अपने रहमान को डर जाओ जिस रहमान ने तुहानू पैदा फरमाया है। वो कयामत का दिन भी जरूर आना है, तो कयामत का नक्शा कुरान ने किवें बयान किया है? अल्लाह फरमाते ने, या अय्युहन्ना सुत्तको, या अय्युहन्ना सुत्तको, ए इंसान, ए दुनिया ते जिंदगी गुजारने वाले मेरे बंदे, अमीर भी ते गरीब भी कयामत दे दिन तो डर जा। इस वास्ते के कयामत दा दिन एक ऐसा दिन होएगा, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत दा दिन होएगा ते जलजला बड़ा सख्त होएगा, जमीन हिल जाएगी, जमीन अपने विचों सारे खजानिया नू बाहर कढ़ के रख देगी। आ दुनिया ते भरावां भरावां दा झगड़ा हुंदा जमीन की वजह तो, किधरे झगड़ा जनाब सोने की वजह तो, किधरे लड़ाई है जनाब चांदी की वजह तो, किधरे दौलत की वंडी तो आके लड़ाइया ते झगड़े ने। ये जिन्ने खजाने ने ना, इन्हां तमाम खजानिया नू जमीन कढ़ के ते बाहर रख देगी। ते कुरान ने नक्शा खिंचे है, अल्लाह फरमांदे ने, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्काला व कालल इंसानु माला यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा बि अन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन
अल्लाह फरमाते ने एक वेला इंज का भी आने वाला है, इंसान एक टाइम इंज का भी दुनिया ते आने वाला है, जदो जमीन ते जलजला आ जाएगा, जमीन हिल जाएगी, ते जमीन अपने विचों सारे खजानिया नू बार कढ देगी, ते ए मंजर वेख के इंसान आखेगा हाय इस जमीन नू की हो गया है, आ जमीन नल की बने, ऐ ते ओ सोना ते चांदी ते दुनिया दिया दौलतां ने जिन्हां दी वजह तो मैं ते अपने फीर नल लड़दा रहा, किधरे भैन दा हक खा गया ते किधरे वीर दा हक दबा गया, किधरे गवांडी दी जमीन ते कब्जा कर गया, इंसान परेशान हो जाएगा, ते आज ते दौलत भी मेरे कम नहीं आनिया, ते पैना पाइया ते उंजी नेड़े नहीं ना लगदा, ते प्या तरले करेगा, आखेगा मेरे अल्लाह मेरी जगह ते मेरे बाप नू पकड़ लै, अल्लाह मेरी जगह ते मेरी मां नू पकड़ लै, अरशा वाले मेरी जगह ते मेरी बीवी नू पकड़ लै, मेरी जगह ते मेरी औलाद नू पकड़ लै, अल्लाह मेरा सारा खानदान ही पकड़ लै, पर अरशा वाले मैनू माफी दे दे, आसमान तो आवाज आएगी कल्ला ए मेरे बंदे इंज ते नहीं ना होना, करे कोई ते परे कोई, जिन्हें जो जो कुछ भी किया होएगा ओदे मुताबक ओदे नाल उंज दा ही सलूक होएगा, कोई किसे दे काम नहीं आवेगा, पैना पाई भी नेड़े नहीं लगनगे, ते कुरान दा अगला मुकाम सुन लो, अल्लाह फरमांदे ने फाइजा जात साफा या उम्मा या फिरुल मरु मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बने ले कुल्ले मरे मिन हुमियो मैजिन शान युगनी वजूह यौम इज़िम मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व वजूह यौम इज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरतुल उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, इंसान दी तमन्ना ए होएगी काश अज मेरे कोई आखे लग जाए ते मेरे गुनावां दा पारी वंड लवे, अज मेरा कोई आसराय बन जाए, अल्लाह फरमांदे ने यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, परा सक्का अपने परा तो दूर हो जाएगा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी, माँ ते बाप भी जुदा जुदा हो जाएंगे, मां नूं अपनी जान दी फिक्र लगी होएगी, बाप नूं अपनी जान दा खतरा महसूस होएगा, ते हर बंदे दी जुबान ते होएगा रब्बे नफसी अल्लाह मेरी जान नूं बख्श दे, अल्लाह मेरी जान नूं मुआफ फरमा दे, अल्लाह मेरे हाल ते रहम फरमा दे, परा परा दे कम नहीं आवेगा, मां पुत्र दे कम नहीं आवेगी, बाप बेटे दे कम नहीं आवेगा, ते बेटा अपने बाप दे कम नहीं आवेगा, हर बंदा ना अपने अपने कीते दे अंदर मौजूद होवेगा, अल्लाह अल्लाह एदा नाम अमाल दे सामने होवेगा, ते इंज करके किताबी शकल दे अंदर अपने नाम अमाल वल गौर करेगा, अल्लाह अल्लाह, ते मौलाना ने बड़ा प्यारा जिहा नक्शा बयान फरमाया, फरमांदे ने पैना नू छड दिता सकया परावान
भैनां नूं छड्ड दित्ता। कयामत वाले दिन इत्थे भैन भरा वास्ते अपनी जान दे दिंदी है, भरावां दे दुख भैनां नूं बर्दाश्त नहीं होया करदे, धीआं नूं मां बाप दीआं तकलीफां बर्दाश्त नहीं होया करदीआं। इह दुनिया दा निज़ाम है, मां बाप अपने जिसम ते तकलीफ बर्दाश्त कर लैंदे ने, लेकिन औलाद दीआं तकलीफां बर्दाश्त नहीं होया करदीआं। लेकिन साथियों कयामत दा मंजर एक ऐसा मंजर होएगा, कयामत दीआं हौलनाकियां इन्नियां जबरदस्त होणगीआं, इत्थे भैणां ते भाई कम नहीं आउणगे। भैणां नूं छड्ड दित्ता सकियां भरावां ने, याद न कीता यार दोस्त आशनावां ने, सुट दित्ता बच्चा रोंदा और जमदाई मावां ने, याद नहीं पुत्तर नू किधर गई माइया। चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया, खोल के ते कान सुन ले मेरे आवीरा तू, खोल के ते कान सुन ले मेरी ये बहन तू, पढ़ ले कुरान जे कोई, पढ़ ले कुरान जे कोई मरतबा लेना तू, पढ़ ले कुरान जे कोई मरतबा लेना तू। आज कल मौत तेरे सिर उते आईया, ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया। मेरे वीर ए मंजर हो के रवेगा, ए टाइम आ के रवेगा, मैं भी उथे होना ते तुसा भी उथे होना है। जनाब आदम अलैहि सलातो व सलाम तो लैके कयामत तक दे आने वाले तमाम इंसाना ने इको ही मैदान अंदर जमा होना है। उथे कम आना ते अल्लाह दे कुरान ने कम आना है, उथे कम आना ते इंसान तेरी मेरी जिंदगी दे नेक अमाल नहीं कम आना है। इस वास्ते दुनिया दी इस मुख्तसर जी जिंदगी नू गनीमत समझ के आखरत दी जिंदगी वास्ते कुछ समान जमा कर ले। अल्लाह दी कसम है वरना इंसान पछतावेगा, इधरों दी रूह निकलेगी उधरों जहन्नम वाले फरिश्ते आ जाएंगे, इहदे रूह नू पकड़ के ते सिज्जीन दे अंदर जमा कर देंगे। कबर दियां सख्तियां भी बड़िया जबरदस्त होनगियां, ते कबर तो बाद हशर दियां सख्तियां ते उदों भी जबरदस्त होनगियां। ते मोमिन बंदा ते अल्लाह पाक ने इहनूं बड़े एजाजात दे नाल नवाजिया है। अल्लाह पाक अपने मोमिन ते मुवाहिद बंदे तू बड़िया इज्जतां अता फरमांदे ने। इह दुनिया ते भी इज्जत वाले ते मौत दे वेले भी मुअज्जज। आसमान तो आवाज आउंदी है या अय्या तो हन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके राजियतम मर्जिया फादखुली फी इबादी वादखुली जन्नती। अल्लाह मैनू ते तुहानू इन्हां खुश नसीबा दी सफ विच शामिल फरमा दवे जिन्हां नू अल्लाह दे फरिश्ते आके पैगाम देणगे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके राजियतम मर्जिया फादखुली फी इबादी। अल्लाह पाक दे तरफों पैगाम आएगा, अल्लाह दे फरिश्ते आखणगे चल ए मुतमइन रूह अपने परवरदिगार दी तरफ चल, तेरा रब तेरे ते राजी हो गया, अल्लाह पाक ने तेरे वास्ते अपनी जन्नत नू तैयार फरमा दिता है। ए मोमिन बंदा खुशी खुशी कबर वल जांदा है। अल्लाह दी कसम है कबर अंदर भी सहूलतां ने, जग्गां दे पीर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला
अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ए मोमिन ते मवाहिद बंदा कबर दी जिंदगी बड़ी आसानी नाल गुजारदा है, कुरान दी बरकत नाल ते नेक अमाल दी वजह तो अजाबे कबर तो बचन दा बेहतरीन नुस्खा। आमिना दे दुर्रे यतीम अली सलातो वसलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा इस दुनिया दी जिंदगी दे अंदर हर रोज सौन तो पहले सूराए मुलक दी तिलावत करदा 29 पारा ते पहली सूराए मुबारका, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने सूरा मुबारका दी तिलावत करके सौंदा है। जग्गां दे पीर ने फरमाया है ये सूरत एक ऐसी बाबरकत सूरत है, एदे पढ़न दी बरकत दे नाल इस बंदे नूं कबर दा अजाब नहीं होवेगा, इनू कबर दा अजाब नहीं होवेगा। ते यकीन यकीन कर लिया जे जेड़ा एक सूरत पढ़दा ओनू कबर दा अजाब नहीं होवेगा, ते जेड़ा पूरा कुरान अपने सीने विच महफूज करदा ओनू जहन्नम दा अजाब भी नहीं होवेगा। होवे आलिम दे नाल आमिल भी यानी इलम ते ओदे मुताबक अमल भी करदा रहे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है अर्शा वाला रब इनू बड़े एजाजात अता फरमानगे, एदा एजाज वखरा होएगा, एदे माँ बाप दा एजाज वखरा होएगा। हदीस पाक दे विच आउंदा है जेड़ा बंदा हाफजे कुरान है आमिल है कुरान है कयामत दा दिन होएगा ओदे माँ बाप दुआ नू अल्लाह पाक एक ऐसे रोशन ताज पहनाएगा जिन्ना दी रोशनी ऐस आसमान ते सूरज नालों ज्यादा होवेगी। ए माँ प्यो दी इज्जत है तुसी अंदाजा कर लो, ते उस हाफजे कुरान ते आलमे ते आमिले कुरान दी इज्जत किन्नी को होएगी। माँ बाप नू इन्ना एजाज मिलेगा इन्नी इज्जत इन्ना शर्फ नसीब होवेगा। इस वास्ते मेरे भाई और मेरे बुजुर्गो किस्सा है मुख्तसर मैं अपनी बात नू खत्म करा, अपनी जिंदगी नू गनीमत जान के कुरान आप भी पढ़िया करो पढ़िया करो, थोड़ा जिहा पढ़ लिया करो, नहीं पढ़े रोजाना दी एक आयत की तिलावत कर लिया करो, एक आयत पढ़ो दो पढ़ो चार पढ़ो जिन्नी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अपनी औलादा नू पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाना कोई जुर्म नहीं लेकिन मस्जिद के अंदर कुरान ना पढ़ाना बहुत बड़ा जुर्म है। किसी भी तरीके नाल कुरान की तिलावत कुरान की तालीम जरूर हासिल आप भी करो अपनी औलादा नू भी कराओ। अल्लाह के दुआ है अल्लाह मैनू ते तुहानू अपने कुरान की मोहब्बत नसीब फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला दे नाल साडियां औलादा नू भी अपने कुरान नाल प्यार करने की तौफीक नसीब फरमा दे। इंशाअल्लाह कामयाबी बहुत बड़ी इस कामयाबी की जमानत है अल्लाह का कलाम कुरान मजीद जिदे वर्गी किताब कोई नहीं, ना अल्लाह ने नाजल की थी है ना इंशाअल्लाहुर्रहमान क्यामत तक नाजल होएगी। जो होनी सी हो गई, हुन बेहतरीन इंसान होवे जेड़ा इस किताब नाल प्यार करदा इंशाअल्लाहुर्रहमान वो कामयाब तरीन इंसान है दुनिया अंदर भी आखरत दे अंदर भी। अल्लाह मैनू तुहानू जो सुनिया सुनाया है मालिक समझ के सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।